दोस्तों 2 सितंबर को इंडियन नेवी को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कितना खतरनाक और ताकतवर है हमारा INS विक्रांत। सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक टकाटक। सो गाइस, 2 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारी नौसेना को यानी कि इंडियन नेवी को भारत में बने हुए एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को हैंडओवर करने वाले हैं। अब देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब चाइना के नेवी की बात होती है तो चाइना की नेवी वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी नेवी है और वहीं पे जो हमारी नेवी है यानी कि इंडियन नेवी, ये वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी नेवी है। बट देखिए ना, युद्ध जो होते हैं ना, ये सिर्फ बड़े बड़े हथियार या फिर बड़ी सेना कर लेने से नहीं जीते जाते हैं। इसके लिए बहुत सी अलग अलग चीज़ें चाहिए होती, जैसे कि अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सेना में आपके दम होना चाहिए, मनोबल ऊँचा होना चाहिए उनका, और ये सब चीज़ें हमको हमारी इंडियन नेवी में देखने को मिलती है। ये हमने 1971 में भी देखा है, यानी कि पहले भी ये हमने देखा है। अब चलिए INS विक्रांत की बात करते हैं कि हमारे INS विक्रांत में कितना दम है। बट वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस, INS विक्रांत के इंडियन नेवी में इंडक्ट हो जाने के बाद हमारी इंडियन नेवी के पास टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। एक तो है हमारा INS विक्रमादित्य और दूसरा होगा INS विक्रांत। अब INS विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है। अब INS विक्रांत का टोटल डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन का है और INS विक्रांत की जो लंबाई है वो करीब करीब 260 मीटर की है। अब INS विक्रांत की चौड़ाई की बात करोगे तो INS विक्रांत करीब करीब 60 मीटर चौड़ा है और वहीं पे अगर आप INS विक्रांत की ऊंचाई की बात करोगे तो INS विक्रांत करीब करीब 59 मीटर ऊंचा है। अब INS विक्रांत एक बार में करीब करीब 30 से 35 एयरक्राफ्ट को लेकर चल सकता है। अब इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 एकड़ का है। अब इसके अगर मैक्सिमम स्पीड की आप बात करोगे तो INS विक्रांत की मैक्सिमम स्पीड है 52 किलोमीटर पर आर की। अब इसमें बराक मिसाइल्स लगी हुई हैं और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के इंटीग्रेशन का काम भी शुरू हो सकता है, जिससे कि फ्यूचर में इसमें लंबी दूरी की मिसाइल को मारने की क्षमता को विकसित किया जा सके। अब INS विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक टर्बाइन लगे हुए हैं जो इस कैरियर को 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो स्ट्राइक रेंज है वो 1500 किलोमीटर की है और वहीं पे इस एयरक्राफ्ट की जो सेलिंग रेंज है वो 15,000 किलोमीटर की है। अब इस पर 76 mm के 4 ऑटोब्रेडा ड्यूल पर्पज कैनन लगाए गए हैं जो दुश्मन की मिसाइल या फिर दुश्मन के जंगी जहाजों पर हमला करने के काम में आ सकते हैं। अब इसके अलावा इसमें 4 AK-630 पॉइंट डिफेंस सिस्टम गन भी लगाई गई है। अब आप देखोगे तो इस पर MiG-29 के फाइटर जेट्स, फिर अमेरिकन मल्टी रोल रोमियो हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव और कमाओ K-31 हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए जाएंगे एंड इन फ्यूचर इस पर दुनिया के बेस्ट नौसैनिक फाइटर जेट की भी तैनाती की जा सकती है। इसमें शायद राफेल या फिर सुपर हॉर्नेट में से कोई एक हो सकता है। अब ये एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए 76% स्वदेशी चीज़ों का यूज किया गया है और बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए जो टोटल खर्चा आया है वो करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का है। और डेफिनेटली आप देखोगे तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत के इंडियन नेवी में इंडक्ट हो जाने के बाद हमारी इंडियन नेवी की पावर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। वैसे आप क्या सोचते हो हमारे इस स्वदेशी INS विक्रांत के बारे में? जो भी सोचते हो ना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यार बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आई, जिससे कि हम लोग उस पर काम कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।